ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शिव मंदिर में जाने का सही समय क्या है? बहुत लोगों का कहना है कि जब तक हम शिव मंदिर जाते हैं तब तक महादेव का श्रृंगार हो गया होता है, अर्थात हम में से कोई महादेव का पूजन करके आया होता है। कोई 16 सोमवार व्रत का, प्रदोष व्रत का, पशुपति व्रत का उसने पूजन किया और महादेव का श्रृंगार किया। फिर उसके बाद हम पहुंच गए और हमने एक लोटा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तो क्या हमारा चढ़ाया हुआ जल भगवान श्रृंगार करते हैं, या फिर जिसने पहले महादेव का पूजन किया है, श्रृंगार किया है, उसकी पूजा महादेव श्रृंगार करते हैं, तो क्यों नहीं? उमापति महादेव की हम सब संतान हैं। जो बेटी जो बेटा जब भी शिव मंदिर आता है वह जिस भी समय पूजन करके जाता है महादेव, उसकी पूजा को उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो ऐसा नहीं सोचते कि जो मेरी पूजा सुबह ही करेगा या शाम को करेगा उसी को फल दूंगा, उसी पर अपनी कृपा करूंगा, क्योंकि सब देवों में महादेव ऐसे हैं जो दिन भर नहाते हैं, दिन भर उन पर पानी चढ़ता है, दिन भर उनका श्रृंगार होता है, दिन भर उनका भोग लगता है, दिन भर उनको दिया लगता है। केवल देवाधि महादेव ही तो ऐसे हैं जिनके मंदिर में जाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। आपकी जब मर्जी पड़े तब आप जल लेकर पहुंच जाओ। आपने देखा भी होगा सभी भगवान के मंदिर में दरवाजे भी रहते हैं, लेकिन अगर पहले के नियम को निकाल के देखें तो महादेव के मंदिर के शिवालय में ना तो दरवाजा होता था ना तो चौखट होती थी, और अगर दरवाजा होता भी था तो वो नहीं किया जाता था। जब आपकी मर्जी पड़े तब आप शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाओ एक लोट जल लेकर, और वहां पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करो और फिर घर वापस चले आओ, क्योंकि शिव कैलाश के निवासी हैं, शंकर जी शमशान की वासी हैं। जैसे शमशान जाने का कोई समय नहीं होता, उसी तरह हमारे देवाधि महादेव के पास जाने का कोई समय नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। आपकी जब मर्जी पड़े तब आप एक लोटा जल लेकर महादेव के पास पहुंच जाना। हर हर महादेव।